How to fix Adobe Acrobat Reader has unfortunately stopped problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है Adobe Acrobat Reader के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार दोस्तों हमारे जो ऐप है उसमें इस तरह का एरर जो है आ जाते हैं। और दोस्तों बेसिकली जो है हमारा जो ऐप जो है ठीक है वो इस तरह का मिसबिहेव कभी कभार कर जाते हैं, ठीक है, हमारे मोबाइल के साथ में। तो ऐप का प्रॉब्लम भी है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कई बार जो है बग प्रॉब्लम होते हैं, तो बग प्रॉब्लम को भी फिक्स करना होगा। तो ये सब फिक्स करने के बाद आपका जो ऐप है अच्छी तरीके से काम कर जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो भी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कम से कम दोस्तों 5-6 सॉल्यूशन बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम, आपके जो एरर है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, सॉल्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो बताते जाऊंगा, आपको वो फॉलो करते जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो इशू है ऐप में वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐप में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको आ जाते हैं ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखना है। ठीक है, मोबाइल रिस्टार्ट करने के साथ साथ दोस्तों आप अपने मोबाइल के जो रिसेंट बटन है उसको क्लिक करें। रिसेंट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सारे ऐप क्लोज कर देना है और ऐप को भी रिस्टार्ट कर देना है। ठीक है, मोबाइल रिस्टार्ट करना है, ऐप को रिस्टार्ट करना है, उसके बाद चेक करके देखें अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके दोस्तों आपको जो ऐप है वो अपडेट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपका ऐप जो है अपडेट होगा तो आपका जो बग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, मोबाइल के साथ जो कॉम्पेटेबल वॉइस मैच नहीं हो पा रहा है वो भी सॉल्व होगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का एरर जो है जब तब क्रिएट होते हैं जब आपके जो ऐप है वो आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर के साथ कॉम्पेटेबल वॉइस मैच नहीं हो पाते। ठीक है, ऐप को अपडेट करना है, बग प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सारे साथ मोबाइल पे अच्छे से रन करेगा। ठीक है, अपडेट करने के बाद एक बार मोबाइल को सॉल्व करें एंड देन चेक करके देखें आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो इशू है फिक्स्ड हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आपका जो है अगर यहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपका जो प्रॉब्लम है इतने में भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, जाना है मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, स्क्रॉल डाउन करके ऐप मैनेजमेंट पर जाना है। ऐप मैनेजमेंट मैनेज ऐप या फिर इंस्टॉल ऐप करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है Adobe Acrobat Reader एंड देन आपको जाना है स्टोरेज यूजर्स पे, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, क्लियर कर देना है और उसके बाद बैक करना है। परमिशन सेटिंग पर जाए और सारे परमिशंस अलाउ कीजिए, 3 परमिशन है बस अलाउ कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें और चेक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है Adobe Acrobat Reader का ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व तो फिर आपको क्या करना है, तो दोस्तों प्ले स्टोर में जाइए और ऐप को अनइंस्टॉल करें। ऐप जैसे ही आप अनइंस्टॉल करोगे, ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली रीइंस्टॉल मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाइए और सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर आप अपडेट कर लोगे तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कीजिए मोबाइल पे। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से जाइए प्ले स्टोर में और अपने ऐप को रीइंस्टॉल करें। उसके बाद जाके दोस्तों चेक कीजिए आपका इश्यू, आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों प्रॉपर सॉल्यूशन और एक कंप्लीट सॉल्यूशन जिसके थ्रू आप अपने ऐप के ये जो एरर है उसको फिक्स कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।